किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं गहरी जुताई यानी डीप प्लोइंग के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहां पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में भी आपको खेती किसानी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डीप प्लोइंग यानी गहरी जुताई के कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे खेत में डीप प्लोइंग का काम चालू है। गहरी जुताई या डीप प्लोइंग के फायदों की बात करें तो इसका सबसे पहला फायदा यह है कि आजकल खेती के अंदर किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खादों जैसे DAP, यूरिया, पोटाश इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे जमीन में एक कठोर परत बन जाती है, जिसके बाद में जमीन में पानी ग्रहण करने की क्षमता या जल अवशोषण क्षमता घट जाती है और पौधों की जड़ें नीचे गहराई तक नहीं जा पाती, जिससे फसलों की जल ग्रहण क्षमता काफ़ी कम होती है और नीचे से यानी जमीन से आपको जो पोषक तत्व है वो भी नहीं मिल पाते, तो ऐसे में उपज काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो अगर किसान भाई गेहूँ या सरसों इत्यादि की फसल कटने के तुरंत बाद यदि 1 से 1.5 महीने तक खेतों में गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं तो सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणें जमीन में सीधे गहराई तक जाती हैं और जमीन में उपस्थित हानिकारक कीटों को मार देती है, जिससे भी किसान भाइयों को काफ़ी हद तक फायदा मिलता है। इसके अलावा गर्मियों में अप्रैल एंड के बाद मई और जून 2 महीनों में तेज धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिसके बाद खेतों की उपजाऊ मिट्टी के कण धूल मिट्टी जो है वो तेज़ आंधी के साथ उड़ करके दूसरे खेतों में चले जाते हैं और यदि आप अपने खेतों में गहरी जुताई करके रखेंगे तो आपके खेत से मिट्टी उड़कर दूसरे खेतों में नहीं जाएगी और उपजाऊ मिट्टी का नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि वो उड़कर वापस आपके खेत में ही जो गहरी जुताई आपने कर रखी है उसी के अंदर ठहर जाएगी, जिससे आपकी खेत की उपजाऊ क्षमता और अधिक बढ़ेगी। गर्मियों के मौसम में ही किसान भाइयों को पर्याप्त समय मिलता है जब वो अपने खेतों में गहरी जुताई करके उसे लगभग 1 महीने तक आराम से खाली छोड़ सकते हैं, जबकि सर्दियों में जैसे ही आप धान की या फिर बीटी कॉटन, ग्वार, बाजरा, मूंग मोठ इत्यादि की कटाई करेंगे उसके तुरंत बाद सरसों, चना या गेहूँ इत्यादि की बुआई का समय आ जाता है और आपको ऐसे में गहरी जुताई का मौका नहीं मिल पाता। तो किसान भाई गर्मियों के मौसम में जैसे ही आपकी रबी सीजन की फसल की कटाई हो उसके तुरंत बाद खेतों में गहरी जुताई करके उसको कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहने दें, जिससे आपको प्राकृतिक रूप से भूमि सुधार का एक बहुत ही शानदार मौका मिलेगा। विदेशों में लोग 2 से 2.5 फुट तक की गहराई तक जमीन को जोतते हैं, जबकि अपने भारत में सीमित संसाधनों के चलते जो भी आपके पास पर्याप्त है उनसे जितना हो उसके गहराई तक जमीन को जोतने का कार्य गर्मियों में आप कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको अगली फसल में देखने को मिलेगा और प्राकृतिक रूप से आप गहरी जुताई से 10 से 15% तक अपनी फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अगर संभव हो तो गर्मियों में गेहूं कटाई के तुरंत बाद किसान भाई अपने खेतों में मूंग, ढेंचा या फिर सनई इत्यादि हरी खाद के रूप में लगा लें और जिसके बाद जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज पे आए यानी फूल आना प्रारंभ हो उस दौरान आप उसको रोटावेटर से या हैरो से किसी भी माध्यम से ज़मीन में मिलाकर ऊपर सिंचाई कर दें। इससे आपके खेत की उपजाऊपन और अधिक बढ़ेगा और हरी खाद बहुत कुछ फ़ायदा आपको देगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में भी आपको हर एक खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू।